बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हरू बालों के एक भाई का मुझे कमेंट कर रहे थे, भाई सुलेमानी टोपी जादू की टोपी को ये देख लें, बालों का स्टाइल देख लें मेरा। मैं इसीलिए ये कैप ऊपर रखता हूँ बालों के ऊपर के, यार बालों का स्टाइल कुछ इस टाइप का है मेरा जैसे यमनियों के होते हैं या कुछ सऊदियों के भी ऐसे घुंघरीले जजान वाली साइड पर मैंने ऐसे ही देखे साहब, तो इसलिए कैप ऊपर रख लेता हूँ यार, कुछ डर ना जाए देख कर। अच्छा जी, बात यह है जी, हरू बालों के मतलब एक अच्छी और गुड न्यूज़ है। मैं इसे गुड न्यूज़ आपको पता ही, हरूप जो खत्म, अभी मैंने हरूप के मतलब की वीडियो लगाई थी, बहुत से भाइयों ने मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता किया, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ बारे में रब्ता किया जी कि भाई हमने हरूप ख़त्म करवाना है या किसी ने हरूप दे दिया क्या करें। तो भाई आप यकीन कीजिए, जो पैसे वो बता रहे थे ना मुझे, भाई मेरे इतने लग रहे हैं तो मैं सुन सुनकर हैरान होता था, भाई लगते हैं हरूप ख़त्म करवाना है, नई जगह के ऊपर तनाजल करवाना है तो पैसा तो लगता है, अगर बाहर के एजेंट वगैरह से आप बात करेंगे तो। तो अभी एक भाई ने कल मुझसे रब्ता किया है, तो पहले भी इस्लाम तो हुई है जी इनके साथ, तो कल मुझसे रब्ता किया है और मुझे जो मसला बताया गया ना, जो मुझे इनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई, मैं वैसे काफ़ी खुद भी हैरान हुआ ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद। लेकिन ये मैंने इनको पूछा है जी कि ये कन्फर्म है इसमें कोई, वो बोलता कन्फर्म है जी, मैंने आपको बता दिया है ना, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके शेयर करूँगा, लेकिन वो किस डेट को शेयर करूँगा मुझे उस तारीख को मिलने वाले हैं, वो अभी आपको इसी मैसेज में आप सुन लेंगे। अच्छा मैं आपको इनके मैसेज सुना देता हूँ, मैं उसके बाद आप मैसेज सुन लें, मैं आपको मज़ीद एक दो यानी कि कुछ बातें आपके साथ मज़ीद आपको तफसील समझाने की कोशिश करूँगा। आप इनके मैसेज सुन लें जी, पहले जो मैसेज मुझे आए हुए वैसे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आए जा रहे हैं यार बंदों के, जो मतार पेपर निकालने वाले, आपको पता ही मतार या खरूज का पेपर आपको चाहिए, मतार पेपर बेसिकली आपके ऊपर क्या अभी कोई पाबंदी है सऊदी अरेबिया में या नहीं है, या कितनी रह गई है, या क्या सूरत हाल है, इस चीज़ के से रिलेटेड होता है और ये सिर्फ मतार पेपर से ही पता चलता है। मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी निकाल कर बंदों को देना शुरू कर दिए हैं, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में दिखा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, हमने फीस वगैरह जो उसके ऊपर रखी है मैं आपको उससे आगाह कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये सुन लें जी इनके मैसेज हरूप के मतलब या जो खरूज वगैरह के मतलब है, लेकिन खरूज के मतलब मैं आपको डिटेल बाद में सब बताता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? ठीक है भाई, किसी को भी अगर खरूज लगवाना है ना तो उसे कहें कि सीधा जवाजात उनेजा पहुँच जाए, बगैर पैसों के लग रहा है, एक पासपोर्ट ले जाए अपना अगर है तो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, एकामा है तो ले जाए जो हरूप वाले हैं, और साथ में एक टिकट लेके जाए, लेकिन टिकट वैलिड हो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर, यानी आप निकल जाओगे, वो लेके पहुंच जाए, हाथों हाथ खरूज लगा रहे हैं भाई, मेरा लग गया और संडे को मुझे मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वापसी देंगे, वो पासपोर्ट जो भी होता है रख लेते हैं, टिकट वगैरह सब रख लेंगे, वो आपको बता देंगे, यानी कल या परसों, बीच में जुमा छुट्टी थी इसलिए मेरा इतवार पर चली गई, जुमा हफ्ता छुट्टी थी सॉरी, तो इतवार को यानी एक दिन बाद 24 घंटे के बाद वो आपको आपकी सारी चीज़ें दे देते हैं, आपको मैसेज आ जाता है कि आप इस तारीख तक निकल जाए खलास, और धड़ाधड़ फ्री के खरूज लग रहे हैं इस टाइम, सिर्फ अनेजा में ओपन है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है काम, तो ये मैसेज अपने चैनल के थ्रू लगा दें। तो बस मैं ही यहाँ। वालेकुम अस्सलाम, अनेजा यानी कि बरीदा के साथ उधर की बात? जी जी भाई, वो मैं थर्सडे को ना एक सऊदी के सलाम दुआ से वहाँ गया था, लेकिन आगे गया हूँ तो आगे 10-15 ऑलरेडी पाकिस्तानी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आप किसके रेफरेंस से हैं, उनको कोई रेफरेंस नहीं है भाई, तो मैंने कहा आप कहाँ से आए, कोई कह रहा है मैं गसीम से आया हूँ, कोई कह रहा है मैं तमाम से आया हूँ, कोई कह रहा है मैं रियाद से आया हूँ, सबका मेरे आंखों के सामने उन्होंने पासपोर्ट, किसी का तो पासपोर्ट भी नहीं था ना कामा था, तो उसने कहा तू कैसे चल रहा है, उसने कहा बस मैं ही आ गया हूँ बहुत है, उसने कहा कॉपी है, उसने कहा कॉपियाँ हैं, तो उसने कॉपियाँ ली, उसने फटाफट वहाँ पर जमोले मारी हैं, अंगूठे लिए हैं, लाइव उनके फिंगरप्रिंट लिए हैं और कंप्यूटर में पूरा रिकॉर्ड उनका निकला है, जिनके पास कुछ नहीं था उनसे नाम पूछा तो अपना नाम बता, अपने वालिद का नाम बता वगैरह वगैरह, थोड़ी सी की कन्फर्मेशन के भाई यही तो बैठा हुआ बस ठीक है, तस्वीरें बाकी मिलती जुलती थी, तो सबके उसने मेरे सामने लगाए 10-12 बंदों के, और उसके साथ जब मेरी बैठ के पूरी डिटेल में गपशप हुई है तो उसने कहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक से पहले मुमकिन है अक्टूबर के बिल्कुल एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में मकतबे अमल ये ऐलान कर देगा ट्विटर के थ्रू और अखबारों के थ्रू कि आज से नकल कफाला 60 डेज के लिए अलाउ करेगा वो,
और हरूब का सिस्टम टोटली फिनिश होने वाला है, लेकिन मैं इधर रुकना नहीं चाहता हूँ और मैं इज्जत से घर जाना चाहता था, इसलिए मैंने जी सबसे पहले आपको बता दूं जी, मैं एड्रेस के मुतालिक आपको बता दूं, ब्रीदा अगर आपने भाई बहुत से जानते हैं जी, मैंने ब्रीदा में 6 माह काम किया, अनेजा में 7 के, यार अनेजा ब्रीदा बेसिकली है एक ही, ये ब्रीदा का रिंग रोड है जी, ये अनेजा है, ठीक है जी, ब्रीदा का बिल्कुल साथ है। तो बात ये है जी कि अनेजा में वो बोलते हैं जी कि खरूज लग रहे हैं बंदों के, और खरूज इस टाइप के लग रहे हैं, यानी कि आप जाएं अपने पासपोर्ट इकामे की कॉपी दें, या नहीं भी है तो फिगर आपके होंगे, आप नाम का नाम वगैरह पूछा जाएगा, आपका मुकम्मल डाटा बाहर आ जाता है, फिगर आप जब लगाते हैं तो वहाँ से खरूज लग रहे हैं, साथ में टिकट ले जाएँ एक, जिसके यानी कि 10 डेज के 10 दिन के, जैसा कि मुख्तलिफ वीडियो पुरानी में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जब खरूज लगता है ना सफारा से भी, उस टाइम भी आपको भाई 8 से 10 दिन का टाइम देते हैं, वो बोलते हैं कि इस इन दिनों में निकल जाएं, तो 10 दिन के अराउंड में टिकट होनी चाहिए आपके पास, आपका वहाँ पर खरूज लग जाएगा, उसी टाइम खरूज लगा रहे हैं, यानी कि आपके सिम के ऊपर मैसेज आ रहा है, जो आपने अक्षर के ऊपर सिम नंबर दिया होगा उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप शॉपिंग करें, टिकट आप लेकर जाएंगे तो अपने घर वापस जा सकते हैं। हरू वालों के मतलब एक बेस्ट ऑप्शन है, सफारा से भी लग रहे हैं, लेकिन सफारा में अभी भाई पेपर जमा हो रहे हैं और वो टाइम दे रहे हैं बंदों को, तकरीबन 15 से 1 माह के अराउंड में इस वक्त टाइम लग रहा है। और दूसरी बात जो मैं इस वीडियो में बताने वाला था वो ये है जी, अच्छा मैं खरूज के मतलब जब वो भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने शेयर करेंगे, फिर एक तफसील से भी वीडियो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो हरूब के मतलब हम इस वीडियो में बेसिकली बात कर रहे थे, आपने सुन लिया जी, इसी माह के अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में मकतबे अमल खुद ब खुद ये ऐलान, यानी कि ट्विटर के थ्रू और अखबारात के थ्रू, मैं सोशल मीडिया के थ्रू, मैं खुद से जब मुझे कंफर्म होगा ना वो, उस टाइम भी आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा। तो भाई बता रहे हैं जी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो नकल कफाला है उसकी जो डेट है वो 60 दिन की जा रही है, जो कि पहले 30 दिन की थी, और उसके बाद जी जो हरूब वाले जितने भी हरूब हैं जी वो ख़त्म किए जा रहे हैं। कफील किसी बंदे का हरूब यानी कि नहीं दे सकेगा, अगर दे सकेगा तो उसके पीछे कोई मेजर रीज़न होगी, ठीक है जी। हरूब पुराने जो बंदों के होंगे वो ख़त्म हो रखे हैं, उनको मुद्दत दी जाएगी कि आप 60 दिन के अंदर अंदर किसी नई जगह के ऊपर नकल कफाला करवा रहे, किसी नई कंपनी में नए कफील के अंडर में चले जाएँ, या अपनी टिकट लेकर अपने घर वापस चले जाएँ। कैसे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वहाँ पर खरूज भी लगाए जा रहे हैं, एक बेस्ट किस्म की एक अच्छा ऑप्शन है परदेशियों के लिए, खासकर जिनके हरूब हैं। मैंने वीडियो के शुरू में जैसा कि आपको बताया है कि आप यकीन कीजिए 15-15 हज़ार से 20-20 हज़ार रियाल मैंने सुना है जी कि इतने इतने पैसे लग रहे हैं बंदों के हरूब कैंसिल करवाने में। तो अगर आपका भाई हरूब, मैं बोलता हूँ रुक जाएँ, कुछ दिन वेट कर लें, अब किसी के पास अभी मत जाइएगा, फर्स्ट ये नवंबर का पहला हफ्ता आने वाला है, ये देख लेते हैं, कन्फर्म होता है ये तो मैं आपके साथ ये न्यूज़ भी शेयर कर दूंगा, और उसमें अगर हरूब ख़त्म होते हैं तो भाई अगर सीधी सिंपल बात करूं मैं तो आपकी तो 5 उंगलियां घी में होंगी, फिर हरूब वालों की हरूब ख़त्म हो जाएंगे, आप भाई फिर उसके बाद कहीं भी अपना नकल खफाला करवाएं, और नकल खफाले की जो फ़ीस होती है आपको पता है फर्स्ट टाइम 2000 और सेकंड टाइम इसके इससे ज़ायद है, तो आप नकल खफाला करवाने अपने इकामे बनाने किसी के नाम के ऊपर हो जाएं। तो बेसिकली ये खबर थी जी भाई की तरफ से, और ये बोल रहे हैं कन्फर्म है जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके साथ, और अगर इसको मज़ीद हम 100% कन्फर्म करना चाहते हैं तो आपको मकतबे अमल यानी कि 1 नवंबर के पहले वीक में हमें कन्फर्म हो जाएगा।